हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की जो 31/7/2023 की कार्य पत्रिका है, घातांक और के नियम जो है इसके बारे में बात करेंगे। एक आधार वाले जो घात होंगे इनके गुणन करेंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखो 3^2 × 3^3, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो तो हमेशा पावर प्लस में होती हैं। इसी तरीके से 3^2 में 3^3 को ऐड कर देंगे तो 3^ क्या बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ डिवाइड में देखोगे 3^4 में से डिवाइड करना है 3^2 को, तो हमेशा जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो 4 में से 2 को क्या करोगे, माइनस। यानी ए की पावर एम हो, डिवाइड हो रहा हो ए की पावर एन से, तो ए की पावर एम में से एन को माइनस कर दो, आंसर क्या जाएगा, ए की पावर 2। अब देखो यहाँ x की पावर 0 मतलब होता है बराबर 1, ठीक है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो z की पावर 4 है इंटू z की पावर 3, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ऐड कर दो, z की पावर 7 मिल जाएगा। 10^14 है, डिवाइड हो रहा है 7 से, तो इसका माइनस कर दो, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10^7 आ जाएगा। 12^4 है, इसमें प्लस कर दो किसको, 3 को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 12^ यहाँ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरीके से P की पावर क्या है, 10 है, और 10 में से 2 को माइनस कर दो, P की पावर 8 आ जाएगा। 1, देखो 2^01 होता है, 3^01 होता है, 4^01 होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।